आपको ब्रेकिंग न्यूज आगाह करते चले कि पाकिस्तान का आपस में पहला प्रैक्टिस मैच जहां पर बाबर आजम 11 और अजहर अली 11 के दरमियान खेल का दूसरा दिन जारी। लेकिन अब तक दूसरे दिन के खेल तक किसका पलड़ा अब तक भारी है और कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर अब तक ज्यादा जोहर दिखा चुके हैं। इस खेले जाने वाले प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान के कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर ज्यादा कामयाब रहे, सारी तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो बराए मेहरबानी पहले फ्री में चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको तफसील से आगाह करते चलें कि जैसा आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी शाहीन आपस में प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं जहां पर बाबर आजम 11 और अजहर अली 11 के दरमियान आज प्रैक्टिस मैच का दूसरा दिन जारी है और इस प्रैक्टिस मैच का ये फायदा होगा कि पाकिस्तानी शाहीन पिच से और तमाम तर नई कंडीशन से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन कल पहले दिन के इख्तिताम पर बाबर आजम 11 ने शानदार बैटिंग की, जहां पर बाबर आजम की शानदार बैटिंग देखने को मिली। उसके साथ साथ शान सूत्र आबिद अली ने भी शानदार जोहर दिखाए बैटिंग करते वक्त। आबिद अली ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन है जिसने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। और उधर अजहर अली 11 की तरफ से शाहीन शाह आफरीदी की तरफ से शानदार बॉलिंग देखने को मिली जिसने शानदार बाउंसर भी किया और बड़े बड़े खिलाड़ियों को उसने डरा कर रख दिया। लेकिन आज दूसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान के अजहर अली 11 ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया जहां पर अजहर अली और असद शफीक पिच पर तो ज्यादा देर ना ठहर सके, लेकिन पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर सरफराज अहमद ने शानदार और भरपूर बैटिंग का मुजाहरा किया। और सरफराज अहमद इस वक्त तक पिच पर मौजूद है जो कि बड़ी शानदार बैटिंग करें। और सरफराज अहमद ने एक ओवर में शाहीन शाह आफरीदी को 3 चौके लगाकर एक बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और अभी तक पिच पर मौजूद है। और पाकिस्तानी शाहीन आपस में इस मैच को बड़े जोश और जज्बे से खेल रहे हैं ताकि कोई टीम दूसरी टीम के से खिलाफ फतह हासिल कर सके। लेकिन अभी तक तो सिर्फ दूसरी दिन जारी है, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा है कि ये मैच ड्रा हो जाएगा क्योंकि इस टेस्ट प्रैक्टिस मैच के सिर्फ 2 ही दिन थे और इसके बाद पाकिस्तानी शाहीनों का अगला आपस में प्रैक्टिस मैच 13 और 14 जुलाई को खेला जाएगा। लेकिन इसमें मजे की बात ये है कि इसमें पाकिस्तान के नसीम शाह, बाबर आजम, आबिद अली और सरफराज अहमद ने काफी सबको हैरान करके शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। और बॉलिंग की तरफ से नसीम शाह के खास तौर पर बेहतरीन बाउंसर देखने को मिले जिसने बड़े बड़े बैट्समैनों को बिछाड़ के रख दिया। ये थी प्रैक्टिस मैच कल से जबरदस्त जो हमने आप तक शेयर की। मिलते हैं किसी और जबरदस्त क्रिकेट रिकॉर्ड के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह।